तो यारो फाइनली गेम के अंदर गोल्ड रॉयल आ चुका है और गाइस यहाँ पर अपने को मिलते कमाल के बंडल कुछ और भी रिवार्ड। तो गाइस गोल्ड रॉयल के अंदर अपने को ये सब चाहिए, बट यहाँ पर यही सोच कर मैंने भी स्पिन कर दिया, एक ही स्पिन में मिल जाएगा और बंडल मिल भी गया, लेकिन एक स्पिन में नहीं काफी सारा गोल्ड लगाने के बाद। हाँ मतलब बंडल मिल चुका है, अभी भी मेरे पास कुछ गोल्ड बाकी है, बट मैं कितनी भी स्पिन कर लूँ मेरे को बाकी के बचे हुए रिवार्ड शायद ही मिले, क्योंकि इन्होंने बता रखा है ना 100 स्पिन करोगे तभी एक बंडल मिलेगा, और पिछली बार भी ऐसा ही हुआ। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे गोल्ड ला सकते हैं कि इस इवेंट के अंदर स्पिन करें और अपना गोल्ड भी बच जाए, मतलब अनलिमिटेड गोल्ड हो, लाखों में गोल्ड हो, जल्दी खत्म ही ना हो। हाँ मतलब इस तरह का कोई तरीका आपको भी जानना है तो सही वीडियो में आयो, चलो मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो गाइस यहाँ पर आप मेरी ये आईडी देख सकते हो, 7,00,000 गोल्ड है, और गाइस यहाँ पर ये मैं काफी समय से खेलता आ रहा हूँ और इसके अंदर लगभग मैंने यहाँ पर सारे रिवार्ड निकाल रखे हैं, कलरफुल बंडल छोड़कर और एक साइथी। तो इनको निकालने के लिए मेरे को अभी कितना गोल्ड लगेगा, इधर इन्होंने बता रखा है 100 स्पिन करने के बाद एक बंडल मिलेगा, तो यहाँ पर एक बंडल के ऊपर लिखा हुआ ओवनीड, शायद से वो मेरे पास पहले से, बट क्या पता कि वही बंडल मेरे को दोबारा मिल जाए, अगर ऐसा हो गया तो हम लुट जाएंगे गोल्ड के मामले में। बट फिर भी मैंने एक स्पिन की, ऐसी करते करते मैंने दूसरी स्पिन भी की। यार मैं सही बताऊं यहाँ पर अपने को 100 स्पिन करनी ही पड़ेगी, मतलब 1,00,000 गोल्ड अपना जाने ही वाला है अगर अपने को एक भी बंडल निकालना है, और बाकी के रिवार्ड के लिए भी उतना ही गोल्ड जाएगा। और यहाँ पर अपने को साइथी चाहिए, बंडल अपने पास लगभग एक तो है पहले से और एक अपने को निकल आएगा 100 स्पिन में, तो इसलिए हम साइथी पर फोकस करेंगे। तो यारो फिलहाल तो यहाँ पर मैं स्पिन वगैरह करूँ आपके सामने 35 स्पिन हो चुके हैं, और इसी तरह मैंने यहाँ पर काफ़ी सारी स्पिन कर डाली, जैसे कि देख सकते हो 47 का लक हो चुका है और भी अभी तक मेरे को कुछ नहीं मिला, और फिर नहीं मिला 10 की और स्पिन हो चुकी है, अभी भी 40 स्पिन बाकी हैं। तो क्या लगता है पहले कौन सा बंडल मिलेगा जिसके ऊपर ओवनीड लिख रखा है या फिर मिक्स वाला, तो देखते हैं आपके टाइम पर कलरफुल मिलता है या ग्रीन वाला। और ऐसे करते करते मेरी 83 स्पिन और यहाँ पर गाइस देख सकते हैं 94 स्पिन और इसी तरह यहाँ पर 95, 5 स्पिन बाकी, इन बंडल में से कुछ एक रिवार्ड तो मिल जाए, या कलरफुल बंडल या साइथी, कलरफुल बंडल या साइथी मिल जाए तो मजा आ जाएगा, ऐसा मैं सोच ही रहा था। और यहाँ पर लास्ट स्पिन कही, बट इन दोनों में से कुछ नहीं हुआ, जो बंडल मेरे पास पहले था वही निकला गाइस। यहाँ पर ये देखो अभी गाइस यहाँ पर ये देख सकते हो ये सीन हो चुका है, बट अभी इसके ऊपर क्लियर लिखा हुआ आ चुका है, इसका मतलब अगली 100 स्पिन करने के बाद मेरे को रंग बिरंगा बंडल, और अगली 100 स्पिन करने के बाद साइथी, और अगली स्पिन करने के बाद सारा कंप्लीट हो जाएगा, तो इस तरह का सीन रहने वाला है। तो यहाँ पर इस आईडी के अंदर तो नहीं निकला कुछ भी, बट मैं अपनी गोल्ड देखता हूँ, तो यहाँ पर ऊपर देखो 7,00,000 था, 6,00,000 कुछ गोल्ड बचा है, बट बंडल भी मिला हुआ, तो इसलिए गाइस ध्यान रखना कि गाइस इस इवेंट के अंदर गोल्ड बहुत लगने वाला है, तो 1,00,000 गोल्ड से आपका काम नहीं बनने वाला। तो यही लिए मैं इस वाली आईडी के अंदर आ गया, क्योंकि इस आईडी के अंदर मेरे को एक रंग बिरंगा बंडल मिल चुका है और यहाँ पर अभी मेरे को चाहिए दूसरा, जो कि गाइस अभी तक नहीं मिला, तो इसलिए मैं सोचता हूँ अभी इसके अंदर क्या हम इतने गोल्ड के अंदर 100,00,000 कर पाएंगे, तो इसलिए मैंने इसके अंदर एक दो स्पिन की, जैसे देख सकते हो ये 10+ वाली की, और कॉन्ग्रेचुलेशन मतलब हमारा कुछ बार कह सकते हैं 100,00,000 करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, यहाँ पर अपने को ऐसे निकल सकते हैं। और इस आईडी के अंदर मैंने दोनों बंडल निकाल लिए, बट मेरे को चाहिए अभी साइथी, तो देख सकते हो अभी किसी किसी बंदे को यहाँ पर 300 स्पिन करने की जरूरत नहीं, किसी किसी बंदे को 300 स्पिन ही करनी पड़ेगी तब जाकर अपने मेन रिवार्ड मिलने वाले। कुछ बंदे बता रहे थे कि साइथी की स्किन अपने को 100 स्पिन के बाद भी नहीं मिलती, मतलब कुछ भी कर लो लगभग 200 स्पिन तो ले जाएगा ये साइथी। और गई तीन सब के अलावा यहाँ पर मेरा गोल्ड अभी देखो 300 भी नहीं बचा, मतलब 266 बचा है, 300 होता तो फिर भी कह देते 300 भी नहीं बचा, तो मतलब 250 के आसपास गोल्ड बचा है। तो अभी हम अपना गोल्ड कैसे बढ़ाएं, अभी वही बात होगी ना गोल्ड बढ़ाने वाली। देखो मैंने लकी रॉयल तो निकाल लिया साइथी छोड़कर, तो अभी गोल्ड बढ़ाने के यहाँ पर ग्रैना वालों ने एक मेथड बता दिया, यहाँ पर कुछ मिशन आ रखे हैं, प्ले फॉर गोल्ड, गोल्ड के लिए खेलो, और यहाँ पर ये अपना इवेंट चलने वाला है 15 से लेकर 28 तक, पूरे क्या कह सकते हैं थोड़े दिन चलेगा, 13 डेज तक तो चल जाएगा लगभग, हाँ मतलब इतने दिन तो चल ही जाएगा। तो देखो अपने को 3000 दिन का गोल्ड मिल रहा है, तो यहाँ पर एक दिन का 3000 अगर आप सारे मिशन कंप्लीट कर लेते हो, जितने भी इन्होंने बता रखा मैच वगैरह, तो यहाँ पर 16 मैच जितने भी खेलते हो, तो यहाँ पर देख सकते हो
इसी तरह आपको गोल्ड मिलेगा दिन का 3000, और अगर जितने दिन में रहता है तो लगातार आप सारे मिशन करते हो तो आपको लगभग लगभग 40,000 से 39,000 तक गोल्ड मिल ही जाएगा। मान लो आप 40,000 तक नहीं कलेक्ट कर पाते, 30,000 गोल्ड तो आप इस इवेंट से ले पाओगे अगर डेली मिशन कंप्लीट करते हो। और इसी तरह इधर से भी आपको 10,000 गोल्ड मिल रहा है, तो मतलब कह सकते हैं कि आपको 40-50 हज़ार गोल्ड सिर्फ अपने होली के इवेंट कंप्लीट करने पर ही मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पर इस बंडल तक जब तक आप पहुँचोगे तो तब तक आपको यहाँ पर 10,000 गोल्ड मिल चुका होगा, इस तरह का सीन रहने वाला है। तो गाइस इसके लिए तो आपको पता है क्या करना है, जैसे कि इस वेब इवेंट के अंदर अपने को डेली मिशन दिए गए, इनको कंप्लीट करने बलून टोकन मिलेंगे, बलून टोकन कलेक्ट करने, उन सब के बाद यहाँ पर अपने को गेम खेलना होगा। तो यहाँ पर कुछ 4 स्टेज हैं, तो यहाँ पर जैसे कि फर्स्ट स्टेज के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर अपने को हिट करना है टारगेट को, मतलब ये कैली वैली जो भी है यहाँ पर इन सिर के ऊपर आपको मारना है और यहाँ पर अपने को हिट के बदले पॉइंट मिलेंगे। इस तरह का सीन रहने वाला है, जैसे कि आप देख सकते हो, देख ही पा रहे होंगे मैं खेल पा रहा हूँ। तो जैसे कि हम इसको फिलहाल जल्दी जल्दी सारा कंप्लीट कर डालते हैं। यारो ग्रीन से अच्छा तो ये रेड बॉल है, निशाना ही नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा। तो कोई ना, आपके टाइम पर मैंने खेला और यहाँ पर इस तरह रन आउट हो गया। तो इस तरह गाइस आप इसको खेल सकते हो, और यहाँ पर खेलोगे तो यहाँ पर अपने हिट वगैरह जो टारगेट वगैरह काउंट होंगे, मैंने 10 टारगेट कर दिए, टोटल 400 टारगेट करूँगा, तो यहाँ पर 10,000 गोल्ड के साथ मेल बंडल मिल जाएगा। इस तरह का सीन रहने वाला है, यहाँ पर 2 तो इवेंट से आपको गोल्ड मिल रहा है, बाकी के गोल्ड आप बरमूडा खेल कर ले सकते हो। तो यहाँ से भी आपको दिन का शायद से 3,000 तक गोल्ड मिल ही जाता है, लिमिट होती थी। तो गाइस इधर से भी अगर आप ले लेते हो 30,000 जब तक इवेंट है, तो लगभग लगभग 1,00,000 गोल्ड तो आप कलेक्ट कर ही लोगे अगर आप डेली के डेली अपने होली वाले मिशन कंप्लीट करने के लिए ही खेलते हो और गिल्ड से आपको अलग से गोल्ड वगैरह मिलता जाता है। तो सही बताओ आपको क्या करना है, जो होली के मिशन आ रखें उनको कंप्लीट करना है, होली वाला वेब इवेंट कंप्लीट करने का ट्राई करना है, तो उधर से आपको गोल्ड मिलेगा। और यहाँ पर बरमूडा ये सब ये कलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं, ये ऑटोमेटिकली मिलता रहेगा। तो लगभग लगभग जब तक अपने होली इवेंट खत्म हो गया तब आप 1,00,000 से ज्यादा गोल्ड कलेक्ट कर पाओगे, इतना से मैं बता रहा हूँ। और अगर 1,00,000 से ज्यादा गोल्ड हो गया तो अपने को एक और बंडल मिल जाएगा इजिली। ओके, आप मेरी बातें समझ गए होंगे कितना गोल्ड लगेगा और कितना कलेक्ट कर सकते हैं। एंड थैंक यू।